एलपीजी गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा, अलका बोली गरीबों को सीधे जहर ही क्यों नहीं दे देते मोदी जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। पहले से ही कमर तोड़ महंगाई से कराह रही आम जनता को जुलाई महीने के पहले दिन केंद्र सरकार ने एक और जबरदस्त झटका दे दिया है। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की भारी मूल्य वृद्धि कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम आदमी का पहले से ही कचूमर निकला हुआ था। उसके बाद दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी और अब ये एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि। अब 1 जुलाई से बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के लिए आपको 25 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। वहीं व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में भी 76 रुपए का इजाफा किया गया है। जुलाई का महीना शुरू होते ही आम आदमी की जेब पर इसे बड़ा सरकारी हमला माना जा रहा है। सरकार का मन इतने से ही नहीं भरा है, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने आज से पैसा निकालने पर चार्ज बढ़ा दिया है। अब कोई भी ग्राहक 1 महीने में 4 बार ही अपने पैसे बैंक से निकाल पाएगा। 4 बार से ज्यादा ब्रांच से पैसे की निकासी पर 15 रुपए का अतिरिक्त सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। यह नियम बैंक के साथ साथ एटीएम से भी पैसे निकालने पर लागू होगा। देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी के तौर पर अपनी पहचान रखने वाली कंपनी इंडियन की वेबसाइट के अनुसार 1 जुलाई से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अब बढ़कर 834.5 रुपए हो गई है, जबकि 1 जून को इसकी कीमत 809 रुपए थी। जबकि 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 1550 रुपए हो गई है। 1 जून को व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1473.50 रुपए थी। पिछले 6 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि वर्ष 2021 में अब तक घरेलू गैस की कीमतों में 140 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। लगातार कोरोना की 2 लहरें और उसके बाद 2 लॉकडाउन से वैसे ही मध्यम वर्ग और गरीब तबका कराह रहा था। उसके बाद लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। आम आदमी इस बेतहाशा बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां हैं भी तो सैलरी भी भारी भरकम कटौती में है। छोटे छोटे उद्योग धंधे दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी मूल्यवृद्धि कितनी जायज है? कांग्रेस के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने सुबह सुबह आई मूल्यवृद्धि की इस खबर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि देखो मोदी जी का खेल, महंगी गैस महंगा तेल। वहीं अलका लांबा ने लिखा, गरीब आम आदमी को प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे जहर ही क्यों नहीं दे देते। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहें बोलता हिंदुस्तान।